आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन छुरी बन जाते हैं, यूपीएससी कटप्पा बन जाता है और वो कटप्पा एस्पिरेंट्स के पीठ में छुरा घोपता है। गलतियां पहले भी हुई थी लेकिन विरोध इस बार ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इस बार का पेपर बहुत ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण था। बात क्या हिंदी वालों को, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके अंदर बुद्धि नहीं है? भूखे पेट तो बहुत हैं मगर रोटी से दूरी है, हड्डियाँ गलवा के भी ना रोना, ये कैसी मजबूरी है। इस बार का जो सीसैट का सिलेबस था वो आउट ऑफ सिलेबस था। यूपीएससी के जो एग्जामिनर्स हैं उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो पेपर ठीक से सेट कर पाए। कोई भी इंसान उस पेपर को विद इन 2 आवर्स कर ही नहीं सकता। मैं आखिर डाल के कह रहा हूँ कि काश यूपीएससी की आत्मा जिंदा होती तो वो भी चीख चीख के यही कहती कि सीसैट को हटाना कल भी जरूरी था और आज भी जरूरी है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। यूपीएससी जो कि देश का सबसे बड़ा सिविल सर्विस और सबसे बड़ा परीक्षा होता है और सबसे बड़ी सिविल सेवा भी मानी जाती है, लेकिन वही यूपीएससी के छात्र जब शोषित महसूस कर रहे हैं, प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, तो अब रोड पर आ रहे हैं, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है वो सड़क पर उतर आए हैं और आंदोलन के रूप में इन्होंने अपनी जो आक्रोश दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ मांगे हैं। हाँ, पहला सबसे इम्पोर्टेंट मांग तो ये कि इस बार का जो सीसैट का सिलेबस था वो आउट ऑफ सिलेबस था। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आउट ऑफ सिलेबस था, मेरे ख्याल से खासकर 2020 से ही इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया था। पर बात ये थी कि ना पहले कम क्वेश्चन पूछते थे, जैसे एक हुआ, दो हुआ, और वो भी अगर आउट ऑफ सिलेबस भी है तो स्टिल वो आप कर सकते हो, वो आसान होते थे, है ना। पर इस साल का उन्होंने दो चीज़ किया, एक तो जो क्वांटम ऑफ क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस का वो बढ़ा दिया, और दूसरा बात तो ये था कि बहुत ज़्यादा थे आउट ऑफ सिलेबस सवाल, और कहने के लिए वो 33% है कि हाँ कि आपको बस 33% ही तो लाना है, आपको कहाँ 100% लाना है या 60% लाना है या 70% लाना है। बट रियलिटी ये है ना कि दुनिया में कोई भी वो पेपर सीसैट का जो है, कोई भी आप मैथ का एक्सपर्ट अलग से बैठा दो, इंग्लिश का एक्सपर्ट अलग से बैठा दो, दोनों का समय को कंबाइन करो, इट्स इम्पॉसिबल कि कोई भी इंसान, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो पूरे कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ, कोई भी इंसान उस पेपर को विद इन 2 आवर्स कर ही नहीं सकता है, है ना। और ये केवल बोलने वाली बात नहीं है, अब किसी से भी पूछ लो, इट्स नॉट पॉसिबल कि 2 घंटे में किया जाए। तो कहने के लिए वो 33% है, इन रियलिटी वो 80-90% है, और अगर आप इस साल का जोड़ दोगे डिफिकल्टी लेवल तो मोर ऑर लेस 90-95% पहुंच जाएगा, है ना। तो कहने आप बस आप, मतलब लोग ये बोलते ना बस 33% तो लाना है, बट वो आप बाहर अगर कोई इस एग्जाम से नहीं जुड़ा है ना, उससे ये लगेगा कि हाँ बस 33% तो लाना है, कितना है 33%, है ना, आपको मतलब आधे घंटे में निकाल सकते हो 33%, बट वो पॉसिबल है नहीं। वो कहने में आसान लगता है कि हाँ 33% हो जाएगा, बट आप जब बैठोगे वो पेपर लेके, जब सवाल सॉल्व करना पड़ोगे उस एग्जाम के प्रेशर में, वो 33% इज इक्वलेंट टू 90% लगभग, है ना। तो पहला तो ये कि इस साल जो कि चूंकि आपने आउट ऑफ सिलेबस पूछा है, अगर आप विद इन सिलेबस पूछते ना तो कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। और मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि आज से इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पूछना स्टार्ट किया है, पिछले कई सालों से आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं, बट वो विद इन है ना कि हाँ चलो एक दो क्वेश्चन आ गया, 4-5 क्वेश्चन आ गया तो चलो आप 75 क्वेश्चन पे चलो आप देख लोगे, या पर इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। क्या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मकसद है? देखिए, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मकसद है, बाकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा उनका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। मुझे बस यही लगता है कि उनको बस चाहिए ना, बच्चे को एलिमिनेट करना चाहते हैं कि हाँ जो होता है ना एक टैग कि हाँ यूपीएससी है तो सीसैट भी इस लेवल का होना चाहिए ना कि मैं बच्चों को 33% लाने के लिए तरसा दूंगा। मुझे ये लगता है कि वो चाहते हैं कि 33% लाने में बच्चों की पसीने छूट जाए, और वो आसानी से तो ला ही नहीं सके। तो पसीने क्यों छुड़ाने हैं बच्चों के? अरे अब बात है ना यूपीएससी, मतलब है ना, आप लोग मतलब जनरली आम आदमी के नजर में इंप्रेशन भी तो ये है ना कि इट्स अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन, है ना, कि बहुत क्रीम ऑफ द क्रीम बच्चे जाते हैं ना,
तो वो ना आप ना तो आप ना एग्जाम के वो होता है ना स्टिक जो आपका इमेज होती है ना उसको बड़ा करना चाहते हो, वही बात जो जो मुझे लगती है जी। क्या कहेंगे आप, क्यों आप लोग अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जो इस बार का पेपर आया था 2023 का, हम सब आज तक जो भी यूपीएससी ने पेपर दिया है हम सब उसके साथ ही थे। गलतियां पहले भी हुई थी लेकिन विरोध इस बार ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इस बार का पेपर बहुत ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण था। इस बार ऐसे सवाल पूछे गए जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे और आउट ऑफ सिलेबस होने के साथ ही उन्होंने ऐसे बच्चों को एलिमिनेट किया जो कि बीते कई सालों से इसकी तैयारियां कर रहे हैं। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैंने NIT रायपुर से इंजीनियरिंग की है और इंजीनियरिंग करने के बाद भी मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, उसके बाद भी मैं ये पेपर क्लियर नहीं कर पाई। ये जो हो रहा है मतलब मेरी एक दोस्त है उसने क्लियर किया है, वो कॉमर्स बैकग्राउंड की, उसका मैथ्स अच्छा नहीं है, उसने मैथ्स के सवाल छोड़ के ऐसे सवालों पे ध्यान दिया जैसे इंग्लिश हो गया, कुछ आसान रीजनिंग के सवाल हो गए, उसने वो सवाल करने की कोशिश की और वो 66 नंबर लाने में सफल हो गई जिसकी वजह से उसका क्लियर हो गया। आपका मैथ अच्छा होने के बावजूद क्यों नहीं हो पाया? एक तो ये जो पेपर था ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम थी, मतलब ऐसे सवाल पूछे गए थे जो कि हर एक सवाल जो था वो 5 से 6 मिनट कंज्यूम कर रहा था। ऐसे बहुत सारे सवाल थे, कुछ आसान सवाल थे लेकिन जब हमारे पास पेपर आता है हमें पता नहीं होता कि कौन सा सवाल आसान है, हमें पहले पूरा पेपर खोल के देखना पड़ता है फिर हमें पता चलता है अरे ये सवाल सही अच्छा ये कर सकते हैं, पर ऐसा करते करते टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला और बाद में जब देखा तो कट ऑफ जितने नंबर आ ही नहीं पाए। मतलब हम कहा तो ये जाएगा कि आपने नहीं पढ़ा था, आप में काबिलियत नहीं थी इसलिए आपको टाइम का पता नहीं चला, क्वेश्चन देखने में टाइम निकल गया। आउट ऑफ सिलेबस सवाल की तैयारियां कोई कैसे ही कर सकता है? जो आपने दिया है कि 10वीं तक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको उस सीमा के अंदर आपका काम करना चाहिए था, अगर आप उससे बाहर जा रहे हैं तो ये जो है संविधान का भी उल्लंघन है क्योंकि जो आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं वो नोटिफिकेशन संवैधानिक ही होता है, वो एक स्टैचुटरी होता है, स्टैचुटरी नोटिफिकेशन होता है, लॉ के अंदर होता है वो, हम सब बच्चे उसी को ध्यान में रख के अपनी तैयारियां करते हैं। आप पर सवाल ये भी उठाया जाएगा कि आप नहीं आपका नहीं निकला तो आप जो है आंदोलन कर रही हैं, आक्रोश दिखा रही हैं, वहीं कुछ बच्चों ने उसी पेपर को निकाल भी लिया। ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने पेपर निकाला है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख के चलेंगी कि वो जो बच्चे हैं मतलब GS का जो कट ऑफ है जो पेपर वन होता है उसका कट ऑफ आपने इतना नीचे गिरा दिया है, ये अपने आप में ही बहुत बुरी बात है क्योंकि जो CSAT है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, CSAT का आगे कोई काम नहीं है, ये मैथ्स और जो रीजनिंग के सवाल होते हैं ना आप ये मेंस में पूछने वाले हैं और ना ही इंटरव्यू में पूछने वाले हैं। जब आप एक इसको क्वालिफाइंग आपने रखा है कि इसकी आगे कोई ज़रूरत ही नहीं है तो फिर इसके हिसाब से आप एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? धोखेबाजी जी बिल्कुल, क्योंकि आपका जो पूरा कंपटीशन होता है वो मेंस से स्टार्ट होता है क्योंकि इसके नंबर तो जुड़ते ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें 99% एलिमिनेशन होता है, सिर्फ 1% बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके मेंस में आ पाते हैं, तो आपने वो जो 99% है उसमें आपने सारे टैलेंटेड बच्चों को एलिमिनेट कर दिया और जो बच्चे जो मतलब जिनकी तैयारियां भी अच्छी नहीं थी, बच्चे कहते हैं कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी फिर भी हम ये पेपर क्लियर कर पाए क्योंकि पेपर जो सिलेक्शन है वो पूरा CSAT पे बेस्ड है, GS का कोई काम ही नहीं है, बच्चे 60 नंबर ला रहे हैं 65 नंबर ला रहे हैं दे आर क्लियरिंग इट, तो ये बहुत बुरी बात है क्योंकि आपने कंपटीशन बहुत गंदे से ख़त्म कर दिया है। आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए आपने एक सवाल पूछा था कि आपने पेपर में उसके बाद फिर क्या हुआ आपसे नहीं हो पाया, मैं आपको बताना चाहूँगी जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में थी तो उस समय मैं ये सोच रही थी कि पेपर बहुत टफ बनाया गया और मैं पेपर में अपने आप को भी कई बार कोस रही थी कि इतनी मेहनत करी उसके बाद भी मेरी तैयारी में कमी रह गई क्योंकि पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था मैं उसे क्रॉस नहीं कर पाई, लेकिन जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के आई और उसके बाद जब हमने आपस में फ्रेंड्स ने बात करी अभ्यर्थियों ने बात करी तो अभ्यर्थियों को तब समझ में आया पेपर टफ तो आप छोड़ दीजिए, पेपर आउट ऑफ सिलेबस बनाया गया।
तो जो अभ्यर्थी आउट ऑफ सिलेबस पेपर को देखेगा तो उसके लिए तो ये डेफिनेटली टफ होने ही वाला है, और ये चाहे कोई भी कैटेगरी का अभ्यर्थी हो, लेकिन ख़ास तौर पे जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, ख़ास तौर पे हिंदी मीडियम वाले, ख़ास तौर पे जो रीजनल बैकग्राउंड वाले हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। जैसे अभी मेरी साथी ने बताया कि एक फ्रेंड थी उनकी, उनकी मैथ्स अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने शुरू से ही सोचा था कि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगी और बाकी सवाल करेंगी, वो ये नहीं करेंगी। आप मुझे बताइए, हिंदी का अभ्यर्थी, हिंदी मीडियम वाला, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर करता है तो उसके लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है? क्योंकि मैं आपको भी ये बताना चाहती हूँ, सारे पैसेजेस इंग्लिश में होते हैं, गूगल ट्रांसलेशन के जरिए उस पूरे पैसेज को हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है, और मेरी हिंदी अच्छी है लेकिन मैं भी वो हिंदी नहीं समझ सकती, और हिंदी माध्यम वाला अभ्यर्थी भी वो समझ नहीं सकता बिल्कुल, इस तरह की हिंदी का प्रयोग उसमें किया जाता है। तो फिर आप बताइए, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे इस पेपर को कैसे क्लियर करा जा सकता है? सीसैट हमेशा से विवादों में रहा है। सवाल ये है कि वही पेपर जो आपके लिए मुश्किल है, आउट ऑफ सिलेबस जो है, वही पेपर कुछ लोगों ने निकाल लिया है, हाँ। तो आप में काबिलियत नहीं है? देखिए, काबिलियत नहीं है, अगर मेरे अंदर काबिलियत नहीं था तो पहले मैं कैसे इसी पेपर को क्लियर करके मेंस तक पहुंची? अगर इसमें काबिलियत नहीं है, क्योंकि ये भी फेल्ड स्टूडेंट है, तो ये पहले कैसे इंटरव्यू तक पहुंचे? ठीक है, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी कुछ जुड़े हुए हैं जो 2022 के लिस्ट में, उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लेकिन रैंक इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन्होंने दोबारा से इस बार पेपर दिया, उनका प्री क्लियर नहीं हो पाया। जो अभ्यर्थी यूपीएससी के फाइनल मेरिट लिस्ट में जो यूपीएससी ने चयन किया है, दोबारा से जब वो पेपर अपीयर करते हैं तो उनका सीसैट ही क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि एक साल में आप एक अभ्यर्थी को ये घोषित करें कि इनमें काबिलियत है इसलिए हम आपको चुन रहे हैं, और दूसरे साल आप उसको पहले ही स्टेज में एलिमिनेट कर दें इस चीज़ के लिए क्योंकि उसमें काबिलियत नहीं है? नहीं, काबिलियत नहीं, यार काबिलियत तो डेफिनेटली है, लेकिन यूपीएससी के जो एग्जामिनर्स हैं उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो पेपर ठीक से सेट कर पाए। उनको क्या इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि सिलेबस में सिर्फ क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं? क्या उनको इस बात का पता नहीं? इनफैक्ट 2022 में जो पेपर हुआ 5 जून 2022 को, उसकी आंसर की अभी कुछ समय पहले आई है जुलाई क्या में। लगता है जो पेपर जो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है किसी मकसद के थ्रू जा रहा है? अभ्यर्थियों के सर से बिल्कुल ऊपर है, पेपर भी ऊपर है, और एग्जामिनर क्या चाहता है, किस लिए इस तरह का पेपर सेट किया गया है, वो भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। एक बार यूपीएससी खुल के बता दें कि वो नहीं चाहता कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से लोग आएँ, यूपीएससी खुल के आए सामने और कह दें कि नहीं चाहते हिंदी माध्यम के लोग आएँ, क्योंकि 2010 में जब सीसैट नहीं था तो हिंदी माध्यम से 4,200 अभ्यर्थी थे जिन्होंने मुख्य परीक्षा बैठे, ठीक है, और आज मैं 2021 की बात करूं तो यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट के हिसाब से 470 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम से बैठे। अब आप बताइए, हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तानी हिंदी भाषी, और उसके बाद क्या हिंदी वालों को, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, उनके अंदर बुद्धि नहीं है? बुद्धि तो है, लेकिन जानबूझ के पेपर सेटिंग इस तरीके से करी गई है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो एज मिल रही है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले हैं, उन सबको इसमें बहुत बुरी तरीके से पछाड़ा जा रहा है, और सिर्फ प्रोसेस के जरिए, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए पूरा तरीका ऐसे बना दिया गया है। ऐसा नहीं है कि काबिलियत नहीं है, काबिलियत तो डेफिनेटली है। क्या कहेंगे आप? देखिए, चूँकि आपकी बहुत सारे लोग यहाँ पे बता चुके, अपने दर्द को जाहिर कर चुके हैं, यदि मैं सारे जो रिएक्शंस आए हैं सबका सारांश एक काव्यपूर्ण तरीके से आपके सामने रख दूँ, तो मेरे मस्तिष्क में आता है कि भूखे पेट तो बहुत हैं मगर रोटी से दूरी है। भूखे पेट तो बहुत हैं, और ये जब मैं कह रहा हूँ ये बहुत दर्द के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अपने सपने को 5-6 वर्षों तक पालते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, यूपीएससी का अभ्यर्थी, यूपीएससी का कैंडिडेट अपने सपनों को पालता है। माँ जो बच्चे को गर्भ में अगर देखा जाए तो 9 महीने पालती है, लेकिन यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है वो सालों साल पालता है। बिल्कुल, और उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन छुरी बन जाते हैं, यूपीएससी कटप्पा बन जाता है, और वो कटप्पा एस्पिरेंट्स के पीठ में छुरा घोंपता है, जिससे उनके सपनों की गले घोटकर मृत्यु होती है, और तब दिल से दर्द निकलता है कि भूखे पेट तो बहुत हैं मगर रोटी से दूरी है।
भूखे पेट तो बहुत हैं मगर रोटी से दूरी है, हड्डियां गलवा के भी ना रोना ये कैसी मजबूरी है। काश काश यूपीएससी की आत्मा जिंदा होती, और मैं आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूँ कि काश यूपीएससी की आत्मा जिंदा होती तो वो भी चीख चीख के यही कहती कि सीसेट को हटाना कल भी जरूरी था और आज भी जरूरी है। धन्यवाद। तो ये साफ तौर पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का दर्द था कि भूख तो बहुत है पर रोटी से दूरी है। आपने साफ तौर पर सुना कि अगर यूपीएससी को जिंदा रखना है तो सीसेट जो प्रक्रिया है उसको हटाना पड़ेगा, जो पेपर है उसको आउट ऑफ सिलेबस करके जानबूझकर जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है, कुछ लोगों को बढ़ावा दिया जाता है और जो हिंदी मीडियम से है उनको एलिमिनेशन दिया जाता है, ये एक चाल के तहत होता है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी जनहित आवाज़।